Hey everyone, welcome back to AB Fooder. Today's recipe is dragon potato. And आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ठीक है। चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। ड्रैगन पटेटो बनाने के लिए सबसे पहले 3 आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के, और इसको मैंने इस शेप में कट कर दिया है और मैंने पानी में भिगो के रख दिया था इनको 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने इसमें से पानी निकाल दिया है, ठीक है। अब हम इसमें 3 चम्मच मैदा डालेंगे, ठीक है, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो आलू है उस पर अच्छे से लग जाइए। और मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, वो इसमें डाला है ताकि क्रिस्पी बने, और मैदे से और कॉर्नफ्लोर से क्रिस्पी बनते हैं, इस वजह से इसको डाला है हमने इसमें। और इसमें हम अब डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए। और इसमें हम डालेंगे नमक, आवश्यकता के अनुसार डाल दीजिए, और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे ताकि आलू के ऊपर लग जाए और अच्छे से कोट हो जाए। अब हम इनको साइड में रख देंगे और एक पैन में तेल लेंगे। तेल लेने के बाद में हम जो हमने रखे थे आलू, जब तेल गर्म हो जाए तब हम इसमें एक एक करके आलू को डालेंगे, इनको तल लेंगे एकदम अच्छे से। ड्रैगन पटेटो बनाने के लिए आलू में जो क्रिस्पीनेस है वो ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो आलू क्रिस्पी हो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। इस तरह से तलेंगे हम इसको। मैंने ये सारे आलू के स्टिक्स डाल दिए इसमें, और अब ये अच्छे से डीप फ्राई हो जाए उसके बाद हम इसको बाहर निकाल देंगे। तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, पलट देंगे इसको। अब ये हो गई है ब्राउन थोड़ी सी, अब हम इसको बाहर निकाल देंगे। और बची हुई जो स्टिक्स है उनको भी हम इस तेल में तल लेंगे। जब हम कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो हमें पता नहीं, पहली बार जब हम बनाते हैं तब हमें नहीं पता चलता कि ये कैसे बनेगी, लेकिन जब हम जब वो बन जाती है उसके बाद हम उसको टेस्ट करके देखते हैं तब हमें पता चलता है कि इसमें ये कमी थी, हाँ ये पॉइंट है इसमें। दूसरी बार में हम फिर वो ध्यान रखते हैं और फिर जब दूसरी बार बनाते हैं तो वो और अच्छी बनती है, ऐसे करके वो अच्छी बनती रहती है बनती रहती है। तो ये भी एक है चीज़। तो ये जो स्टिक्स है आलू की वो हो चुकी है फ्राई, और इसको हम बटर पेपर में निकाल देंगे ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो इसमें से निकल जाए। और इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे और उसमें तेल डालेंगे 2 चम्मच। तेल हम बहुत कम डालेंगे इसमें, ज़्यादा ऑयली नहीं करेंगे इसको। उसके बाद मैंने 2 चम्मच यहाँ पे ग्रीन चिली सॉस डाला है, 2 चम्मच डाल दीजिए आप इसमें। और 4 चम्मच टमेटो सॉस मैंने इसमें डाला है, और अच्छे से इसको मिला लेंगे। टमेटो सॉस और क्या कहते हैं वो रेड चिली सॉस भी इसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा। और मैंने इसमें प्याज और शिमला मिर्च कट करके डाली है, प्याज और शिमला मिर्च से भी ये काफ़ी टेस्टी हो जाती है ग्रेवी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर पकने देंगे। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच सोया सॉस डालेंगे, और इस पकने के बाद हम इसमें विनेगर डालेंगे, 2 चम्मच विनेगर, और मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर पकने के बाद हम इसमें वो डालने वाले हैं पोटैटोस, थोड़ा सा चिली सॉस डाला है मैंने ग्रीन चिली सॉस इसमें। तो ये अब जो ये पेरी पेरी मसाला है वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ टेस्ट के लिए, और इसको हिला लेंगे।
अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला पानी में सारा मसाला घुल जाए और थोड़ा ज़्यादा हो जाए, ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा हो जाए। अब हम क्या करेंगे, पटेटो डाल देंगे इसमें, पटेटो स्टिक्स जो है वो इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे, बहुत ही टेस्टी लग रहा है दिखने में, खाने में भी उतना ही टेस्टी रेसिपी है ये खाने में भी। और अब हम इसको गैस बंद कर देंगे, इसका थोड़ा सा नमक डाल देंगे, अगर इसमें कम लगे तो इसमें नमक डाल देंगे। और अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे, ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे सर्व करने के लिए। सो ये तैयार है खाने के लिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।